गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में बताए हुए श्री राम रक्षा क्षेत्र में वर्णित मंत्र या छोटे से श्लोक को बोलने से राम भक्त को कठिन से कठिन परेशानियों, संकटों, खतरों और क्लेशों से शीघ्र मुक्ति मिलती है और उसके मन में बसी इच्छाओं और मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। यह एक आजमाया हुआ परेशानियों को नष्ट करने का और मनोरथों की पूर्ति करने का श्री राम मंत्र उपाय है। और अगर आपकी प्रभु श्री राम पर अतुट भक्ति है तब यह श्लोक एक रामबाण की तरह काम करेगा। इसका प्रयोग करने की विधि बहुत ही सरल और आसान है, इसीलिए कोई भी राम भक्त इसका आसानी से प्रयोग कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। परेशानी, संकट या मुसीबत के समय इस श्लोक का साधक लगातार मानसिक या वाचिक जाप कर सकता है, या अगर वह सर्व संकटों से मुक्ति पाकर अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है तब वह इस मंत्र का हर दिन सवेरे या रात को सोने के पहले 3, 7, 11 या उससे अधिक बार जाप कर सकता है। अब मैं आपको पहले इस मंत्र का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मंत्र बताऊंगी। मंत्र का अर्थ ऐसा है, राम राम भद्र राम चंद्र वेधस रघुनाथ, नाथ ये सभी जिनके नाम है, उस सीतापति श्री राम को मेरा नमन। अब मैं आपको मंत्र सुना रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाह पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाह पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाह पतये नमः। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।